इस दिन के ध्यान अनुभव में आपका स्वागत है। हमने काफी लोगों से बात करी और काफी लोग अपनी जिंदगी को नई तरीके से निर्माण करना चाहते हैं। कई लोग ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे उनके जीवन में या तो सेहत नहीं है या रिलेशनशिप नहीं है और जीवन उतना संतुष्टिदायक नहीं है जितना उनकी इच्छा थी, और वो कहीं ना कहीं उस जगह पे सीमित होके रह गए हैं। वास्तव में वे प्रसन्नता चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ नया डिजाइन करना चाहते हैं, लेकिन लिमिटेड हैं, वो सीमा में बंधे हुए हैं, और वहां से निकलने के लिए क्या करना होगा? क्या रहस्य है? कौन सी ऐसी रचना कर सकते हैं हम? कैसा क्रिएशन कर सकते हैं जो वहां से निकल के आपको उस जगह ले जाए जहां आप हमेशा से होना चाहते हैं। आप रचना का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे पानी के रंग में कुछ भी रचना करना, जैसे कलर करना, किताब लिखना, कुछ भी। पर हम उस रचना की बात नहीं कर रहे, हम वो रचना की बात कर रहे हैं जो स्वयं स्रोत से, स्वयं भगवान से, स्वयं उस ऊर्जा शक्ति से आती है जो एकदम नवीनीकरण करती है आपके जीवन का। जीवन बिल्कुल ऐसी जगह पे था जहाँ चल नहीं रहा था या जहाँ पर आप उत्साहित नहीं थे जीवन के बारे में, और अब वो जीवन ऐसा है परमात्मा की दया से, कृपा से, कि वहां पर एक नई तरह की रोशनी है। आप हमेशा महसूस करते हैं जीवन को जीना, आप हमेशा महसूस करते हैं खुद की लाइफ में चेंज लेके आना और चेंज वो दूसरों तक भी पहुंचाना। जैसे हर दिन हमारे शरीर में कितनी ही खरबों कोशिकाएं नवीन रूप से जन्म लेती हैं, पुरानी मरती हैं और नई जन्म लेती हैं, बदलाव शुरू हो जाता है। जैसे बदलाव हमारे शरीर में शुरू होता है, क्या वैसा बदलाव हमारे जीवन में संभव है? हाँ, ये संभव है, नवीनीकरण संभव है। ये वर्तमान क्षण जहाँ पर हम कहीं पे स्टक हैं, जहाँ पर सीमितता तक का ज्ञान होता है, जहाँ पर ऐसे लगता है कि अभी रुक सा गया है समय या कुछ बन नहीं रहा, एक जगह पे आप रुके हैं, एक्चुअली वही एक जगह होती है जहाँ पर आप अतीत को छोड़कर, कुछ भी जो पुराना था उसको छोड़कर, कुछ ऐसा क्रिएटिव रचनात्मक सूत्र के पावर के जरिए, अकेले नहीं, वो जो सूत्र की पावर है उसके जरिए हम कर सकते हैं। तो ऐसा करने से हम स्वतंत्र हो सकते हैं किससे? पुराने, पुराना जो भी है, जो भी आपकी जिंदगी में है, जो हमें नहीं चाहिए और सालों से है, वो पीछे छूट जाता है जब हमें इसका बोध होता है। तो ब्रह्मांड हमेशा उन बदलावों का इंतजार कर रहा है जो हम चाहते हैं। कमी है तो सिर्फ इस बात की कि क्या हम तैयार हैं पुराने विचार, पुरानी जगह को छोड़ के नई जगह पे जाने के लिए। क्या उत्सुकता है? क्या जागरूकता है? क्या हम चाहते हैं बदलाव तेजी से लाएं और क्रिएटिव हो जाएं, रचनात्मक ऐसी रचना करें? और वो रचना कौन कर सकता है? वो रचना जो जिसने ये सारी सृष्टि की रचना करी है वो कर सकता है। और वो रचनाकार कहाँ पे है? हमारे शरीर के अंदर है, हमारी हर एक विचार के अंदर है। तो हम जो ये 3 हफ्ते हमारे पास हैं, उन 3 हफ्तों में हम यही रचनाकार जो हमारे अंदर है उसको जानने की, हम उसे स्वरूप में लाने की हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो शक्ति हमारी कल्पना से परे है। और वहां पर जब आपको वो शक्ति मिल जाती है, मार्गदर्शन वो आपका शुरू करना शुरू कर देती है, सही दिशा में लेके जाना शुरू करती है, वहां से ये संदेश आप हर उस इंसान को देना चाहेंगे जो आपके करीब है। तो इसी इच्छा के साथ, इसी इंटेंशन के साथ कि आपका जीवन तनाव मुक्त हो गया है और आपका जीवन एक आदर्श जैसा आप चाहते थे उस जगह पर पहुंच गया है, हम कामना करते हैं कि ये 3 हफ्ते आपकी लाइफ के लिए ट्रांसफॉर्मिंग ऐसा ऐसे हफ्ते होंगे, ऐसे जैसे कि लाइफ में कभी और पुरानी जिंदगी में हुआ ना हो। कुछ नया रचना की जगह रचना की जा रही है यहाँ पे,
तो हम अतीत को भूल के, अतीत वैसा ही है, अतीत हुआ है, सच है, पर अतीत की कंडीशनिंग, अतीत की कंडीशनिंग से हम मुक्त अपने आप को कर पाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपके बीच और जो चीज आपको चाहिए उसका अंतर बिल्कुल जीरो हो जाए, एकदम जीरो, ताकि जो आप चाहते हैं वो इसी पल आपके पास आ जाए? तो वो संभव है दोस्तों। कैसे कि आप कुछ हम टास्क करेंगे यहाँ पर, तो आज जैसे दिन पहला दिन है, तो पहले दिन में हम अवेयरनेस लेके आ रहे हैं कि हम हर चीज संभव है हमारे लिए, हम अनलिमिटेड हैं और हर चीज हमारे लिए संभव है। हम उसका आभास करेंगे, जैसे हमें आभास है कि मेरा पैर फंसा हुआ है कहीं पे। अगर मुझे पता है पैर फंसा हुआ है तो मैं निकाल भी सकती हूँ, अगर पता ही नहीं है कि पैर फंसा हुआ है तो आप उसे क्या निकालेंगे? तो जब भी आपको रेजिस्टेंस लगेगा, कुछ रुकाव लगेगा, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी कुंजी होगी, बहुत बड़ा इशारा होगा कि आप यहाँ पे रुक जाते हैं, इस तरह से रुक जाते हैं। तो वो रुकावट को उस परम पिता परमात्मा रचनाकार के जरिए हम हटा सकते हैं। फिर से मैं कहूंगी कि हमारे अंदर वो रचनाकार स्वयं है। अब ये जानना कि आप ही रचनाकार हैं, और जिन प्रॉब्लम में आप फंसे हैं वो एक अवेयरनेस है कि आप उस जगह में बिलोंग नहीं करते, लेकिन आप हो उस जगह पे। जैसे ही आपको पता चलेगा कि वो जागरूकता की स्थिति आ गई, आप अवेयर हो गए, आपने अनुभव कर लिया, और आप ऐसा हर बार जहां पर भी आप फंसेंगे आप अवेयर रहेंगे कि हाँ मैं अवेयर हूं कि मैं यहाँ पे फंसा हूँ, मैं अवेयर हूँ, मुझे अनुभव है कि यहाँ पे मैं रुक गई हूँ। तो जैसे ही आपको आभास होता है कि हाँ मैं यहाँ पे रुकी हूँ, मैं यहाँ पे रुका हूँ, जब आपको पता चल जाता है, जैसे पता चल गया, आप पूरी पुरानी जितने भी आप परंपराओं में अटके हुए थे, या कोई भी ऐसी सोच थी जहां पर अंधेरा था, जहां पर आप होना नहीं चाहते थे पर हैं, और वहां से आपकी नई जगह की का गेट खुलता है, एक ही उपलब्धि है कि आप उस जगह पे जहाँ पे आप अटके हैं उसको बोध है, और आप उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको जाना है। तो आज का मंत्र जो है वो ये है कि मैं पूर्ण हूँ, मैं जो बनना चाहता हूँ मैं बन सकता हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं जो बनना चाहती हूँ मैं वहां पर जा सकती हूँ। तो अभी हम आंखें बंद करेंगे और धीरे धीरे सांस लेंगे, और हर सांस निकालते हुए आप अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, रिलैक्स करते जाएं। तो कुंजी सिर्फ यही है किसी भी चीज को पाने की, कि जितना आप रिलैक्स होते हैं उतना आप अपनी रचनाकार शक्ति के करीब होते हैं। जितना आप चिंता करते हैं, चिंता चिता समान है, जितना आप चिंता करते हैं उतना आप रचनाकार से दूर होते जाते हैं। तो हमारा शरीर भी इस तरह से काम करता है। अगर आप गुस्से में हैं, किसी इमोशन में हैं, तो आपका डाइजेशन काम नहीं करता। तो कहते हैं कि जब गुस्से में हो तो खाना नहीं खाना चाहिए, या कुछ भी ऐसा काम जो आपके शरीर को ताकत दे शक्ति दे नहीं कर सकते, क्योंकि गुस्से में है। और जो ताकत देगा शक्ति देगा वो ऊपर की शक्ति है, रचनाकार की शक्ति है। तो आज एक मंत्र आप ध्यान रखें, मंत्र यह है कि मैं पूर्ण हूं और मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, जो मैं बनना चाहता हूँ वो मैं बन सकता हूँ। तो अब आपका ध्यान अभी भी सांस पे है अपनी, और हर एक निकालते हुए सांस को प्रश्वास के द्वारा आप अपने शरीर को ढीला छोड़ते जा रहे हैं। और जैसे ही आपका ध्यान इधर उधर जाए, आप चुपचाप मंत्र दोहराने लगे, और हमारा जो मंत्र है आज वो है ओम श्रीम, ओम गुम श्रीम। ये लक्ष्मी माता का मंत्र है। तो आप उस यूनिवर्स की ताकत से जुड़ रहे हैं जो हम सबको प्रचुरता देती है, पैसा देती है, रिद्धि सिद्धि, सारे संसार के भंडार खोल देती है। तो वो मंत्र है आज का। तो जैसे आप मंत्र बोलेंगे, आप उस मंत्र के साथ साथ आप उस शक्ति के साथ साथ जुड़ जाएंगे। तो शक्ति क्या है?
ओम गुम श्रीम, 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 ओम गुम श्रीम। अब ये मंत्र मन ही मन आपके अंदर चलता रहे। नजरिया ला
गुम श्वीम, ओम गुम श्वीम। सभी को शुभकामनाएं, प्रचुरता आज आपके चारों ओर है, उसे रिसीव करिए, उसे एक्सेप्ट करिए और कहें, आज मैं उस प्रचुरता को देख रहा हूं जो मेरे चारों ओर है। नमस्कार।